आज हम दृश्य कलाएं प्रदर्शनी कलाओं के बारे में बात करेंगे। विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ललित कलाओं को मोटे मोटे तौर पे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले विजुअल आर्ट है और दूसरी परफॉर्मिंग आर्ट्स है। विजुअल आर्ट्स में दृश्य कलाएं एवं रूपरत कलाएं आती हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स में प्रदर्शनकारी कलाएं मानी जाती है। दृश्य एवं रूपरत कलाएं नेत्र से संबंधित होने के कारण चाक्षु कलाओं की श्रेणी में आती हैं, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला को स्थान दिया गया है। दृश्य कलाओं को मूर्ति कलाओं की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, क्योंकि इन कलाओं का आधार स्थूल तत्व होते हैं, जैसे चित्रकला के लिए कागज, कपड़ा, रंग, ब्रश। मूर्तिकला के लिए पत्थर, मिट्टी, धातु, औजार आदि। वास्तुकला के अंदर काम में आने वाली चीज़ें जैसे पत्थर, ईंट, सीमेंट, कंकर, रेत, बजरी, छेनी, हथौड़ा, लोहा आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। कलाकार अरूप से रूप का सृजन करते हैं, अतः इनमें से प्रथम जो तीन कलाएं हैं, जिसमें कि चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चित्रकला का वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में के चित्र सूत्र में देखने को मिलता है। चित्रकला समस्त शिल्पों और कलाओं में प्रधान है तथा सर्वप्रिय है। इसे विष्णु धर्मोत्तर प्रणाम के चित्र सूत्र में चित्रकला की विशेष व्याख्या की गई है। सामान्य रूप से प्राचीन काल में तीन प्रकार के चित्र बनते थे, भित्ति चित्र, पट चित्र, फलक चित्र। कला का आरंभ आलेखन से होता है। चाक्षु कलाओं में भी आज भी आलेखन सर्वाधिक आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान है। आधुनिक चित्रकला में चेतन कला का प्रमुख स्थान है। आधुनिक चित्रकार कल्पना में पूर्ण विश्वास रखता है और उसी के सहारे नए रूपों का सृजन करता है।